यह कहानी एक ऐसे योद्धा की है जो पिछले 14 दिनों से बेहद बेचैन था। 14 दिन पहले उसकी जिंदगी के कुछ मिनट ऐसे थे जिसे वह भूल नहीं पा रहा था। इन 14 दिनों में वह अपने जिंदगी के बेहद दर्दनाक पलों से गुजरा था। 14 दिन पहले उसे एक ऐसा जख्म मिला था जो जख्म अभी भरा भी नहीं था कि ठीक 14 दिन बाद उसके उसी जख्म को कुरेद कर एक बार फिर से उस शेर को घायल करने की कोशिश की गई थी। लेकिन इस बार उस शेर ने पलटवार किया और ऐसा पलटवार किया कि उस शेर का शिकार करने आए सारे शिकारी त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्ला रहे थे। क्रिकेट की दुनिया में यह एक ऐसा कांड था जिसे विश्व क्रिकेट कभी भूल नहीं सकता है। भारत के उस शेर और इंग्लैंड की धरती से आए उन शिकारियों की इस कहानी को पूरी दुनिया सिक्सर कांड के नाम से जानती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी सुन का स्पेशल एपिसोड द स्टोरी ऑफ 11-6 इन 11 बॉल्स सिक्सर कांड। साल 2007 T20 विश्व कप का पहला एडिशन अपने ग्रुप में अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को पराजित करके टीम इंडिया सुपर 8 में दस्तक दे चुकी थी। सुपर 8 के इस महासमर में टीम इंडिया का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड से था और टीम इंडिया इस सुपर 8 का पहला मैच न्यूजीलैंड से 10 रनों से हार जाती है। 2007 के ओडीआई विश्व कप में बेहद शर्मनाक पराजय का दंश झेलकर आई टीम इंडिया से देश को वैसे भी कोई खास उम्मीद तो नहीं थी। और अब इस T20 विश्व कप के सुपर 8 के इस पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड से पराजित होने के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस की बची खुची उम्मीदें भी अपना दम तोड़ चुकी थी। न्यूजीलैंड से पराजित होने के बाद टीम इंडिया ऐसी सिचुएशन में आ खड़ी हुई थी कि उसे इस विश्व कप में अपनी उम्मीदें जिंदा रखने के लिए अपना अगला मैच जीतना बेहद जरूरी था। डू ऑर डाई की दहलीज पर खड़ी टीम इंडिया का यह मुकाबला इंग्लैंड जैसी घातक टीम से था, जो टीम हर जगह से भारतीय टीम से बेहतर दिख रही थी। एक तरफ थी टीम इंडिया, एकदम नई, एक ऐसी टीम जिससे सीनियर खिलाड़ी अपना नाम वापस ले चुके थे, जिस टीम का कप्तान भी उसे महज कुछ दिन पहले इसी विश्व कप में मिला था। और दूसरी तरफ था इंग्लैंड, क्रिकेट का जन्मदाता, जहां से क्रिकेट का चलन शुरू हुआ था। इस महामुकाबले के लिए दोनों टीमें एक दूसरे को पछाड़ने की मंशा लिए हुए 19 सितंबर 2007 को साउथ अफ्रीका में डरबन के इस मैदान पर एक दूसरे के आमने सामने थी। इंडिया ने टॉस जीता और नए नवेले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बैटिंग करने का फैसला किया। सहवाग और गंभीर ओपनिंग को उतरे और जिमी एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड और फ्लिंटॉफ के प्रारंभिक ओवरों में भारत के यह बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। 6 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और भारत के स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 41 रन दिखाई दे रहे थे। भारत के लिए शुरुआत बहुत अच्छी तो नहीं थी और यह बात विस्फोटक वीरेंद्र को अच्छी तरह से समझ में आ रही थी। लिहाजा 6 ओवर तक खामोश रहने के बाद वीरेंद्र ने विस्फोट करना प्रारंभ कर दिया। 6 ओवर की समाप्ति तक 22 गेंदों पर महज 15 रन बनाने वाले वीरेंद्र ने महज 38 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा किया। पिछले 4 ओवर में वीरेंद्र का विस्फोट इतना भयंकर था कि 6 ओवर में महज 41 रन बनाने वाला भारत अब 10 ओवर की समाप्ति पर 90 रन बना चुका था। 52 गेंदों पर 68 रन बनाने के बाद 15वें ओवर की चौथी गेंद पर जब सहवाग आउट हुए, तब तक भारत के इन दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों के बीच मैच 88 गेंदों में 136 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। 15 ओवर की समाप्ति पर भारत के स्कोर बोर्ड पर एक विकेट के नुकसान पर 138 रन दिखाई दे रहे थे। 16वें ओवर में गौतम का विकेट गिरा और गौतम ने भी इस दिन 41 गेंदों पर 58 रन की एक गंभीर पारी खेली। और 17वें ओवर में रॉबिन उथप्पा भी 4 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाकर वापस चले गए। बैक टू बैक अपने 3 विकेट खोकर 16.4 ओवर में भारत अब 155 रन बना चुका था। कुछ ऐसे ही हाल और हालात में एंट्री होती है उस शख्स की, जो शख्स पिछले 14 दिनों से अपने दिल में, अपने जेहन में एक जख्म पाल रहा था। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि युवराज सिंह थे। पिछले 14 दिनों से युवराज सिंह एक ऐसी आग में जल रहे थे जिसकी धधक को युवराज आज शांत करने वाले थे। इस कहानी को समझने के लिए फ्लैशबैक में चलते हैं। आज से ठीक 14 दिन पीछे तारीख थी 5 सितंबर। भारत इंग्लैंड की धरती पर इंग्लैंड से 7 मैचों की एक बाइलेटरल सीरीज खेल रहा था और इसी सीरीज का 6वां मैच 5 सितंबर 2007 को ओवल के इस मैदान पर खेला जा रहा था। 49 ओवर की समाप्ति पर इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 286 रन था। 50वें ओवर के लिए कप्तान राहुल द्रविड़ ने गेंद युवराज सिंह के हाथों में दे दी। इंग्लैंड के ऑलराउंडर दिमित्री मैस्क्रेनहास बल्लेबाजी कर रहे थे और दिमित्री ने युवराज के इस ओवर में 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्के लगाकर युवराज सिंह को भरी महफिल में इज्जत कर दिया था। What a way to finish a one day international. 5 sixes in a row.
हालांकि यह मैच भारत जीत गया था, लेकिन उस दिन युवराज सिंह के साथ जो हुआ था वह युवराज सिंह को बहुत ही परेशान करने वाला था। एक शो सोनी 10 PT स्टॉप के दौरान युवराज ने इस बात का खुलासा किया कि उस घटना के बाद मैं किसी भी रात ठीक से सो नहीं पाया था। वो पल और वो 5 गेंदे मेरी यादों में पल पल समंदर की लहरों की तरह आती और जाती रही। मेरे दोस्तों और मेरे चाहने वालों के इतने मैसेज और इतने फोन कॉल्स आए कि उतने फोन कॉल्स तो मेरी सेंचुरी बनाने के बाद भी कभी नहीं आए थे। I was playing a game in Oval and I bowled the last over. Dimitri hit me for 5 sixes in 6 balls and I probably couldn't sleep for the next 15 days. And then the calls and messages got from my friends were really disheartening. I never got so many calls when I scored 100. And when I remember I hit the 6, I didn't look at Flintoff or Stuart Broad. I looked at Dimitri that, you know. दिमित्री से पड़ी इस मार के बाद युवराज सिंह बेचैन से फिरने लगे। युवराज की नींदें उड़ी हुई थी और आज ठीक 14 दिनों के बाद 19 सितंबर 2007 यही वो दिन था जब प्रतिशोध की आग में जल रहे युवराज सिंह अंग्रेजों के सामने आकर खड़े हो चुके थे। फर्क सिर्फ इतना था कि आज युवराज के हाथों में गेंद की जगह बल्ला था। वही देश वही लोग जिन लोगों को देखकर युवराज के जेहन में जल रही वह आग और भी जिंदा हो चुकी थी। पूरा का पूरा स्टेज सेट हो चुका था, बस कमी थी एक चिंगारी की और उस कमी को पूरा करने के लिए इस कहानी में एक शख्स की एंट्री होनी बाकी थी। युवराज सिंह जब मैदान पर आए तो इस मैच में भारत के लिए 20 गेंदें फेंकी जानी बाकी थी। युवराज ने पहली गेंद डॉट खेली और दूसरी गेंद को कवर्स के ऊपर से ड्राइव किया और गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर चली गई। अब भारत 3 विकेट के नुकसान पर 159 रन बना चुका था। 3 ओवर यानी 18 गेंदें फेंकी जानी अभी बाकी थी। 18वें ओवर के लिए गेंद अब फ्लिंटॉफ के हाथों में थी। फ्लिंटॉफ ने पहली 3 गेंदों पर सिर्फ 3 रन खर्च किए, लेकिन युवराज ने 4थी और 5वीं गेंद पर लगातार 2 चौके लगाकर फ्लिंटॉफ के इस ओवर को खराब कर दिया। अपने इस ओवर में 12 रन लुटाने के बाद फ्लिंटॉफ का गुस्सा अब स्लेजिंग में बदल चुका था। पहले तो युवराज और फ्लिंटॉफ के बीच तू-तू मैं-मैं हुई और महज कुछ सेकंड में ही यह बात यहाँ तक बिगड़ी कि फ्लिंटॉफ ने युवराज का सर तक धड़ से अलग करने की धमकी दे डाली। उसने फिर कुछ बोला मेरे को उल्टा सीधा, तो फिर मैंने भी कुछ उल्टा सीधा बोल दिया उसको। तो फिर उसने मुझे बोला कि तू बाहर आ तेरा मैं गला काट दूंगा। बात को बढ़ता देखकर अंपायर ने बीच बचाव करके इस झगड़े को शांत करवाया, लेकिन अब अपने युवराज कहां मानने वाले थे। आज युवराज को सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत थी और उस जरूरत को फ्लिंटॉफ ने युवराज से उलझकर पूरा कर दिया था। उस दिन ऐसा लग रहा था मानो जैसे सब कुछ किसी फिल्म की पहले से लिखी स्क्रिप्ट जैसा फिक्स कर दिया गया हो। पिछले 14 दिनों से प्रतिशोध की आग में जल रहे युवराज और आज फ्लिंटॉफ की बदतमीजी और फ्लिंटॉफ की धमकी से गुस्साए युवराज अब इंतजार कर रहे थे 19वें ओवर का। 19वें ओवर के लिए गेंद अपने हाथों में लेकर स्टुअर्ट ब्रॉड अब युवराज के सामने थे। स्टुअर्ट ब्रॉड की पहली गेंद युवराज सिंह ने लेग साइड में रूम बनाया और गेंद के टप्पे पर बल्ले को सटा दिया। हाथों की पूरी ताकत इस शॉट में झोंक दी गई थी और गेंद आसमान का सफर तय करते हुए 6 रनों के लिए बहुत दूर स्टेडियम से बाहर चली गई। यह शॉट कम और तमाचा ज्यादा था। स्टुअर्ट ब्रॉड की दूसरी गेंद और युवराज का यह फ्लिक शॉट, कलाइयों का इससे ज्यादा इस्तेमाल तो बैटिंग में किया ही नहीं जा सकता था। गेंद सीधे जाकर के 6 रनों के लिए स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार गिरी। ब्रॉड की तीसरी गेंद लोअर फुल टॉस गेंद और युवराज का ये प्रहार और गेंद सीधे 6 रनों के लिए मैदान से बाहर। लगातार 3 गेंदों पर 3 सिक्स लगाने के बाद कैमरा बार बार एंड्रयू फ्लिंटॉफ को दिखा रहा था और एंड्रयू फ्लिंटॉफ का चेहरा देखने लायक था। उस समय अगर जो फ्लिंटॉफ को टाइम मशीन दे दी गई होती तो यकीनन फ्लिंटॉफ उस समय में वापस जाकर युवराज से की गई बदतमीजी के लिए माफी मांग लिए होते। स्टुअर्ट ब्रॉड के चेहरे पर हताशा साफ दिख रही थी। स्टेडियम में शोर अपने चरम पर था। ब्रॉड गेंद लेकर एक बार फिर से दौड़े, इस बार राउंड द विकेट। लेंथ को यार कर और पेस रखने के चक्कर में गेंद फुल टॉस हो गई और युवराज ने इस गेंद को भी पॉइंट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर लैंड करवा दिया। 4 छक्के लगातार लगाने के बाद युवराज बल्ले पर हीरो होंडा का स्टिकर चमकाए किसी शेर की तरह मैदान में चहलकदमी कर रहे थे। बॉलिंग कोच वेंकटेश प्रसाद बाउंड्री के पार खड़े होकर के तालियां पीट रहे थे। हमारे यहाँ हिंदुस्तानी गांव में ऐसी बल्लेबाजी करने के बाद बतासे बांटे जाते हैं, लेकिन यह एक अलग गांव था। जमीन विदेशी थी लेकिन कर्मकांड सारे हिंदुस्तानी रीति रिवाज से किए जा रहे थे। 4 गेंदों पर लगातार 4 छक्के लगाकर युवराज सिर्फ 10 गेंदों में 38 रन बना चुके थे। सैकड़ों रिप्ले देखने के बाद ब्रॉड एक बार फिर अपने रनअप पर खड़े दिखे, लेकिन इन सारे घटनाक्रमों से अलग युवराज की निगाहें अब कुछ ढूंढ रही थी और कुछ ही सेकंड में युवराज की निगाहें एक शख्स पर जाकर ठहर जाती हैं। खैर, ब्रॉड फिर से ओवर द विकेट गेंद फेंकने को दौड़ते हैं। पैरों के लाइन में गुड लेंथ के आसपास पड़ी गेंद युवराज घुटनों के बल बैठ जाते हैं। गेंद बिल्कुल एक खिलाड़ी के सर के ऊपर से होकर गई और बाउंड्री से तड़ाक से टकराकर युवराज को 6 रन दे गई।
युवराज सिंह का यह पांचवा छक्का उसी खिलाड़ी के ऊपर से गया था जिस खिलाड़ी को युवराज की नजरें अभी कुछ देर पहले ढूंढ रही थी। और यह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि दिमित्री मैस्क्रेनहास थे। यह वही दिमित्री मैस्क्रेनहास थे जिन्होंने अभी 14 दिन पहले युवराज को 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्के लगाकर युवराज सिंह को भरी महफिल में बेइज्जत कर दिया था। और आज युवराज ने उसी दिमित्री मैस्क्रेनहास के ऊपर से पांचवा छक्का लगाकर अंग्रेजों को मिली 14 दिन पहले उस खुशी को आज गम में बदल दिया था। खैर अब इस ओवर की आखिरी गेंद के लिए ब्रॉड एक बार फिर अपने रन अप पर थे। भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी डगआउट में खड़े हो चुके थे। स्टेडियम में सभी लोग अपनी अपनी सीटों से खड़े होकर बेसब्री से युवराज को देख रहे थे। सबके जहन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या युवराज 6वीं बॉल पर भी छक्का लगाकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा पाएंगे। स्टुअर्ट ब्रॉड 6वीं गेंद के लिए दौड़ कर आते हैं और युवराज ने इस गेंद को भी वाइड मिड ऑन के ऊपर से प्रहार करके उछाल दिया था और यह गेंद भी 6 रनों के लिए मैदान से बाहर जा चुकी थी। पूरा डगआउट खुशी से उछल पड़ा। स्टेडियम में युवराज के नाम का इतना भयानक शोर उठा कि कान के पर्दे हिल गए। कैमरा एक बार फिर एंड्रू फ्लिंटॉफ, दिमित्री मैस्क्रेनहास, स्टुअर्ट ब्रॉड और पॉल कॉलिंगवुड को ढूंढ ढूंढ कर अपने अंदर कैद कर रहा था। इन सब की नजरें झुकी हुई थी, आंखें नम थी, चेहरे पर हताशा साफ दिखाई दे रही थी। युवराज ने पहले एंड्रू फ्लिंटॉफ से नजरें मिलाई और फ्लिंटॉफ ने अपनी नजरें शर्म से फेर ली। युवराज ने दिमित्री मैस्क्रेनहास से नजरें मिलाई जो बेबसी में मुस्कुरा रहे थे लेकिन उनकी आंखें गीली हो चुकी थी। 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के लगाने के बाद युवराज सिंह धोनी के पास गए और हंसते हुए धोनी के ग्लव्स पर वार किया। युवराज सिंह का यह स्वैग, युवराज सिंह का यह सेलिब्रेशन बता रहा था कि पिछले 14 दिनों से युवराज जिस दर्द से गुजर रहे थे अब युवराज उस दर्द से बाहर आ चुके थे। युवराज ने सिर्फ 12 गेंदों में हाफ सेंचुरी पूरी करके विश्व क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा दिया था। उस दिन युवराज ने सिर्फ 16 गेंदों में 58 रन की पारी खेलकर अंग्रेजों के पराजय की पटकथा लिख दी थी। युवराज की इस पारी की बदौलत भारत ने इंग्लैंड के सामने 219 रनों का लक्ष्य रखा जिसके जवाब में इंग्लैंड 20 ओवर की समाप्ति पर सिर्फ 200 रन ही बना सका। भारत ने इस सुपर 8 के मुकाबले में इंग्लैंड को 18 रनों से पराजित करके सेमीफाइनल के लिए अपनी दावेदारी को मजबूत कर दिया था और पूरी दुनिया ने उस दिन युवराज को एक नया नाम दिया था, सिक्सर किंग।